ओम नमः शिवाय। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। सोमवार से आरंभ हो रहा सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष है। इस हफ्ते ग्रहों की चाल में परिवर्तन हो रहा है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि, शुभ रंग हरा, शुभ अंक 3। इस सप्ताह ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। यह समय अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को निखारने का है। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करना आपको खुशी देगा तथा आपकी जीवन शैली में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ कहासुनी हो सकती है। बेहतर होगा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श अवश्य करें। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें तथा सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहें। व्यक्तिगत गतिविधियों को अपने प्रोफेशन पर हावी ना होने दें। इस समय कार्यस्थल पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इस समय ऑनलाइन गतिविधियों पर ही ज्यादा ध्यान दें। व्यवसायिक पार्टियों के संपर्क में रहना जरूरी है। घर में सुखद और शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। कुछ उदासी और बेचैनी जैसी स्थिति रह सकती है। कुछ समय एकांत और आत्ममन करने में भी व्यतीत करें। उपाय, प्रतिदिन हनुमत उपासना और संकट मोचक हनुमानाष्टक का पाठ करें। नौकरी या करियर के उपाय, चांदी की अंगूठी में मोती जड़वाकर उसे धारण करें। सफलता पाने के उपाय, घर से निकलने से पूर्व श्री गणेशाय नमः मंत्र का 101 बार जाप करें। धन के लिए उपाय, अपार धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। सच्चा प्यार के लिए उपाय, कुंडली में स्थित शुक्र ग्रह को मजबूत करें। ज्ञान अमृत, दयालु बनो कमजोर नहीं, ज्ञानी बनो अहंकारी नहीं। वृष राशि, शुभ रंग हरा, शुभ अंक 3। इस समय बेहतरीन परिस्थितियां बनी हुई है। अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक कार्यों पर ज्यादा ध्यान दें। स्वयं से संबंधित कार्याय को जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास करें। आपका पारिवारिक संबंधी कोई मसला भी हल होगा। नजदीकी मित्र अथवा संबंधी के साथ लेनदेन को लेकर कुछ दिक्कतें आएंगी। हालांकि आपके संपर्कों द्वारा कोई समाधान भी मिलेगा। अनजान लोगों के साथ अपनी गोपनीयता उजागर ना करें, अन्यथा आपको कोई नुकसान हो सकता है। व्यवसाय की कार्यप्रणाली बहुत ही उत्तम रहेगी। किसी लक्ष्य को हासिल करने में भी सफलता मिलेगी। लेकिन किसी कर्मचारी की सलाह पर भी ध्यान अवश्य दें। इस समय अपनी व्यवसायिक व्यवस्था तथा कार्य प्रणाली में किए गए बदलाव का उचित परिणाम मिलेगा। पति पत्नी के बीच सामंजस्य का कुछ अभाव रहेगा। ज्यादा तनाव लेने की बजाय परिस्थितियों का हल ढूंढने का प्रयास करें। युवा वर्ग अपनी दोस्ती में गलत फहमियां ना आने दें। तनाव का असर आपके पाचन तथा कार्य प्रणाली पर पड़ सकता है। सकारात्मक बने रहे, कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी व्यतीत करें। उपाय, वृष राशि के जातकों को प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा एवं रुद्राक्ष की माला से शिव महिमना स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नौकरी या करियर के उपाय, चांदी की अंगूठी में मोती जड़वाकर उसे धारण करें। सफलता पाने के उपाय, घर से निकलने से पूर्व श्री गणेशाय नमः मंत्र का 101 बार जाप करें। धन के लिए उपाय, अपार धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। सच्चा प्यार के लिए उपाय, कुंडली में स्थित शुक्र ग्रह को मजबूत करें। ज्ञान अमृत, दयालु बनो कमजोर नहीं, ज्ञानी बनो अहंकारी नहीं। मिथुन राशि, शुभ रंग पीला, शुभ अंक 9।
फाइनेंस संबंधी कोई भी कार्य करते समय पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी हासिल करें, इससे आपको अवश्य ही सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। वक्त के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने से आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। अपनी भावनाओं पर संयम रखें तथा किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें। इस समय अपनी मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाकर रखने की जरूरत है। विद्यार्थियों को किसी प्रोजेक्ट में विफलता मिलने से उनका आत्मबल कमजोर हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अपनी कार्य प्रणाली किसी से भी शेयर ना करें। हालांकि कर्मचारियों तथा सहयोगियों का पूर्ण सहयोग रहेगा तथा उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों का ऑफिस में वर्चस्व रहेगा। पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मधुर होंगे। युवा वर्ग अपनी दोस्ती में मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें। तनाव और डिप्रेशन की स्थिति से बचने के लिए सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उपाय: मिथुन राशि के जातकों को इस माह गणपति की प्रतिदिन दूर्वा चढ़ाकर पूजा एवं गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। नौकरी या करियर के उपाय: चांदी की अंगूठी में मोती जड़वाकर उसे धारण करें। सफलता पाने के उपाय: घर से निकलने से पूर्व श्री गणेशाय नमः मंत्र का 101 बार जाप करें। धन के लिए उपाय: अपार धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। सच्चा प्यार के लिए उपाय: कुंडली में स्थित शुक्र ग्रह को मजबूत करें। ज्ञान अमृत: दयालु बनो कमजोर नहीं, ज्ञानी बनो अहंकारी नहीं। कर्क राशि: शुभ रंग आसमानी, शुभ अंक 1। इस सप्ताह अपना कार्यभार दूसरों से बांट लेने से आप अपने व्यक्तिगत कार्यों में भी बेहतर समय व्यतीत कर पाएंगे, सुकून और शांति भी अनुभव करेंगे। वाहन अथवा मकान खरीदने के लिए किए गए प्रयास आगे बढ़ेंगे। दूसरों की आर्थिक मदद करने के साथ साथ अपने बजट का भी ध्यान जरूर रखें। संतान से संबंधित भी कुछ परेशानी रह सकती है, परंतु इस समय गुस्से की बजाय धैर्य से परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयास करें। बिजनेस की योजनाओं पर काम करने के लिए समय अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अभी उसे पाने के लिए और अधिक मेहनत व प्रयास करना जरूरी है। कोई ऑफिशियल टूर भी संभव है। दाम्पत्य जीवन में कुछ वाद विवाद की स्थिति बनेगी। प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी की वजह से दूरियां आ सकती हैं। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, साथ ही अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहना जरूरी है। उपाय: प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा एवं शिव चालीसा का पाठ करें। नौकरी या करियर के उपाय: चांदी की अंगूठी में मोती जड़वाकर उसे धारण करें। सफलता पाने के उपाय: घर से निकलने से पूर्व श्री गणेशाय नमः मंत्र का 101 बार जाप करें। धन के लिए उपाय: अपार धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। सच्चा प्यार के लिए उपाय: कुंडली में स्थित शुक्र ग्रह को मजबूत करें। ज्ञान अमृत: दयालु बनो कमजोर नहीं, ज्ञानी बनो अहंकारी नहीं। सिंह राशि: शुभ रंग लाल, शुभ अंक 8। आपकी बेहतरीन कार्य प्रणाली से सभी काम समय पर पूरे हो जाएंगे और आप अपना कोई शौक पूरा करने के लिए भी समय निकाल लेंगे। सप्ताह मध्य से ग्रह स्थितियां आपके लिए कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियां बना रही है तथा यह समय उत्साह से परिपूर्ण होगा। इस समय भावुकता व उदारता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी रहेगी, जिसकी वजह से कुछ लोग आपका नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। व्यवसायिक स्तर पर कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है।
समय सफलतादायक है जिसमें आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलेगी, लेकिन अपने अधीनस्थ और कर्मचारियों की गतिविधियों और व्यवहार पर कड़ी नजर रखें। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी। युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों में तब्दील हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानी रह सकती है, परंतु परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और पूजा में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। नौकरी या करियर के उपाय: चांदी की अंगूठी में मोती जड़वाकर उसे धारण करें। सफलता पाने के उपाय: घर से निकलने से पूर्व श्री गणेशाय नमः मंत्र का 101 बार जाप करें। धन के लिए उपाय: अपार धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। सच्चा प्यार के लिए उपाय: कुंडली में स्थित शुक्र ग्रह को मजबूत करें। ज्ञान अमृत: दयालु बनो कमजोर नहीं, ज्ञानी बनो अहंकारी नहीं। कन्या राशि: शुभ रंग गुलाबी, शुभ अंक 7। दिनचर्या मन मुताबिक तरीके से सुखद व्यतीत होगी। भावनाओं की बजाय चतुराई और विवेक से काम लेना परिस्थितियों को आपके पक्ष में बनाएगा। घर के किसी सदस्य के विवाह संबंधी रिश्ता भी आ सकता है। कोई भी निर्णय लेने में इतना समय ना लगाएं कि समय हाथ से निकल ही जाए। अगर कर्ज लेने की स्थिति बन रही है तो उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि समय के साथ साथ दिनचर्या व्यवस्थित होती जाएगी। अधिकारियों से बातचीत करते वक्त गुस्से को काबू रखें। अपनी किसी योजना को क्रियान्वित करने में कुछ दिक्कतें आएंगी, परंतु समाधान भी मिल जाएगा। अभी किसी खास प्रोजेक्ट को स्थगित करना ही उचित है। पति पत्नी के बीच सामंजस्यपूर्ण व्यवहार बना रहेगा। युवाओं को डेटिंग के अवसर भी मिलेंगे। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। डायबिटीज तथा ब्लड प्रेशर की नियमित जांच कराना जरूरी है। उपाय: प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं और भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर चालीसा का पाठ करें। नौकरी या करियर के उपाय: चांदी की अंगूठी में मोती जड़वाकर उसे धारण करें। सफलता पाने के उपाय: घर से निकलने से पूर्व श्री गणेशाय नमः मंत्र का 101 बार जाप करें। धन के लिए उपाय: अपार धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। सच्चा प्यार के लिए उपाय: कुंडली में स्थित शुक्र ग्रह को मजबूत करें। ज्ञान अमृत: दयालु बनो कमजोर नहीं, ज्ञानी बनो अहंकारी नहीं। तुला राशि: शुभ रंग नीला, शुभ अंक 4। इस सप्ताह अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र चित्त रहें, निश्चित ही आप सफलता हासिल करेंगे। रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक समस्या काफी हद तक सुलझ जाएगी। विद्यार्थियों को नौकरी संबंधी किसी इंटरव्यू में सफलता के योग बन रहे हैं। सोशल मीडिया तथा फालतू बातों में समय व्यतीत करने की वजह से आपके कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं। घर में किसी छोटी सी बात को लेकर अकारण ही तनाव उत्पन्न हो सकता है। शांतिपूर्ण रवैया अपनाएं। पारिवारिक और निजी व्यस्तता के चलते बिजनेस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। कर्मचारियों और स्टाफ की मदद से गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास रखना जरूरी है। थकान हावी रहेगी। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मेडिटेशन पर भी ध्यान देना जरूरी है। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा और उनकी चालीसा का पाठ करें। नौकरी या करियर के उपाय:
चांदी की अंगूठी में मोती जड़वाकर उसे धारण करें। सफलता पाने के उपाय। घर से निकलने से पूर्व श्री गणेशाय नमः मंत्र का 101 बार जाप करें। धन के लिए उपाय। अपार धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। सच्चा प्यार के लिए उपाय। कुंडली में स्थित शुक्र ग्रह को मजबूत करें। ज्ञान अमृत। दयालु बनो कमजोर नहीं, ज्ञानी बनो अहंकारी नहीं। वृश्चिक राशि। शुभ रंग सफेद। शुभ अंक 3। इस सप्ताह की शुरुआत किसी सुखद घटना से होगी। मित्रों तथा संबंधियों के साथ मेल मुलाकात रहेगी। समाज व कार्य क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सम्मान मिलेगा तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करेंगे। किसी व्यस्तता की वजह से विद्यार्थी वर्ग अपना पढ़ाई संबंधी कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता रहेगी। अपनी यात्रा को स्थगित ही रखें, क्योंकि कोई खास शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। व्यवसाय में कुछ दिक्कतें रहेंगी। आपके प्रतिद्वंद्वी भी आपके विरोध में सक्रिय रहेंगे, इसलिए हर तरफ पेनी नजर रखना अति आवश्यक है। साथ ही अपने स्वभाव में सौम्यता व धैर्य रखें। गुस्से और तनाव में परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। परिवार के लोगों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिससे आप पुनः ऊर्जावान होकर अपनी परेशानियां हल कर सकेंगे। जोड़ों तथा कमर में दर्द जैसी स्थिति रह सकती है। गरिष्ठ तथा भारी भोजन के सेवन से परहेज करें। उपाय। प्रतिदिन हनुमान जी को लाल रंग का पुष्प चढ़ाकर सुंदरकांड का पाठ करें। नौकरी या करियर के उपाय। चांदी की अंगूठी में मोती जड़वाकर उसे धारण करें। सफलता पाने के उपाय। घर से निकलने से पूर्व श्री गणेशाय नमः मंत्र का 101 बार जाप करें। धन के लिए उपाय। अपार धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। सच्चा प्यार के लिए उपाय। कुंडली में स्थित शुक्र ग्रह को मजबूत करें। ज्ञान अमृत। दयालु बनो कमजोर नहीं, ज्ञानी बनो अहंकारी नहीं। धनु राशि। शुभ रंग पीला। शुभ अंक 1। इस सप्ताह कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा और कोई सुखद समाचार मिलने से मन खुश रहेगा, जिससे अपने व्यक्तिगत कार्यों में उचित रूप से ध्यान दे पाएंगे और उचित परिणाम भी हासिल कर लेंगे। कुछ समय अन्य विषयों पर भी ज्ञान हासिल करें। भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बेहतर होगा कि किसी भी परेशानी में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह जरूर ले। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे, लेकिन साझेदारी के लिए समय ठीक नहीं है। इस समय किसी भी फोन कॉल को नजरअंदाज ना करें, आपको कोई अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। पति पत्नी के संबंधों में उचित सामंजस्य बना रहेगा। युवाओं के प्रेम संबंध मधुर और मर्यादित रहेंगे। मौसम वर्तमान मौसम के प्रति लापरवाह ना रहे। गले में एलर्जी और खांसी जुकाम की शिकायत रहेगी, अपना उचित इलाज ले। उपाय। प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा एवं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। नौकरी या करियर के उपाय। चांदी की अंगूठी में मोती जड़वाकर उसे धारण करें। सफलता पाने के उपाय। घर से निकलने से पूर्व श्री गणेशाय नमः मंत्र का 101 बार जाप करें। धन के लिए उपाय। अपार धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। सच्चा प्यार के लिए उपाय। कुंडली में स्थित शुक्र ग्रह को मजबूत करें। ज्ञान अमृत। दयालु बनो कमजोर नहीं,
ज्ञानी बनो, अहंकारी नहीं। मकर राशि। शुभ रंग गुलाबी। शुभ अंक 3। कुछ दिक्कत आएगी, परंतु बातचीत के माध्यम से आप कई मसलों का हल व समाधान खोज लेंगे। किसी संबंधी की मदद आदि में भी आपका समय व्यतीत होगा और ऐसा करके आपको खुशी ही मिलेगी। कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने का प्रयास करेंगे, हालांकि विरोधी चाहकर भी आपका कुछ अहित नहीं कर पाएंगे। सप्ताह मध्य बाद कोई अप्रिय समाचार मिलने से बनते कामों में बाधाएं भी आएंगी। बिजनेस में अपनी काबिलियत से अपना काम निकाल लेंगे। कुछ बड़े और कड़े फैसले होंगे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी से मतभेद या गलतफहमी हो सकती है। कोई रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। संतान के करियर व विवाह को लेकर घर में विचार विमर्श होगा। किसी निकट संबंधी के साथ गेट टुगेदर संबंधित प्रोग्राम भी बन सकता है। स्वास्थ्य संबंधी किसी पुरानी समस्या में सुधार आएगा। आपका अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित रखना आपको स्वस्थ रखेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें। नौकरी या करियर के उपाय: चांदी की अंगूठी में मोती जड़वाकर उसे धारण करें। सफलता पाने के उपाय: घर से निकलने से पूर्व श्री गणेशाय नमः मंत्र का 101 बार जाप करें। धन के लिए उपाय: अपार धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। सच्चा प्यार के लिए उपाय: कुंडली में स्थित शुक्र ग्रह को मजबूत करें। ज्ञान अमृत। दयालु बनो, कमजोर नहीं, ज्ञानी बनो, अहंकारी नहीं। कुंभ राशि। शुभ रंग लाल। शुभ अंक 8। इस सप्ताह व्यस्ततम दिनचर्या रहेगी, परंतु अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने से मन प्रसन्न भी रहेगा। किसी समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा। आपसी मेलजोल से सबको खुशी भी मिलेगी। शेयर्स तथा रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि ना लें। कहीं भी वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना आपकी मानहानि का कारण भी बन सकता है। इसका असर आपसी संबंधों पर भी पड़ेगा। मीडिया तथा ऑनलाइन गतिविधियों द्वारा आपको व्यवसाय संबंधी कई नई जानकारियां हासिल होंगी। पब्लिक डीलिंग, ग्लैमर, कंप्यूटर आदि से जुड़े व्यवसाय में विशेष उपलब्धि हासिल होगी। नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर संबंधी खुशखबरी मिल सकती है। घर परिवार में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। युवा वर्ग प्रेम संबंधों की बजाय अपने करियर पर ध्यान दें। अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी। अपने कार्यों को दूसरों के साथ बांटने का प्रयास करें। उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर काले तिल और जल चढ़ाकर शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें। शनिवार को सतंजा दान करें। नौकरी या करियर के उपाय: चांदी की अंगूठी में मोती जड़वाकर उसे धारण करें। सफलता पाने के उपाय: घर से निकलने से पूर्व श्री गणेशाय नमः मंत्र का 101 बार जाप करें। धन के लिए उपाय: अपार धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। सच्चा प्यार के लिए उपाय: कुंडली में स्थित शुक्र ग्रह को मजबूत करें। ज्ञान अमृत। दयालु बनो, कमजोर नहीं, ज्ञानी बनो, अहंकारी नहीं। मीन राशि। शुभ रंग हरा। शुभ अंक 3। अपनी कार्य प्रणाली को व्यवस्थित रूप से अंजाम दें, इससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। परिवार तथा समाज में आपका वर्चस्व बना रहेगा। कोई रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। बच्चों पर अधिक रोक टोक ना लगाएं, इससे उनके आत्मबल में कमी आएगी। कभी कभी अकारण ही आपका बहुत अधिक गुस्सा करना आपके लिए भी नुकसानदेह रहेगा। इस समय किसी भी तरह की आवाजाही से परहेज करना बेहतर होगा।
इस सप्ताह निजी तथा पारिवारिक व्यस्तता के बावजूद व्यवसाय पर भी ध्यान देना जरूरी है। पेमेंट को समय रहते कलेक्ट कर लें, ज्यादा टालने से नुकसान ही होगा। किसी के साथ पार्टनरशिप करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार विमर्श अवश्य कर लें। पारिवारिक व्यवस्था कुछ असंतुलित सी रहेगी। युवा वर्ग प्रेम संबंधों के प्रति गंभीर और ईमानदार बने रहें। बदलते मौसम का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ेगा। लापरवाही ना करके तुरंत इलाज लें। उपाय: मीन राशि के जातकों को प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करते हुए भगवान विष्णु की पूजा में नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। नौकरी या करियर के उपाय: चांदी की अंगूठी में मोती जड़वाकर उसे धारण करें। सफलता पाने के उपाय: घर से निकलने से पूर्व श्री गणेशाय नमः मंत्र का 101 बार जाप करें। धन के लिए उपाय: अपार धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। सच्चा प्यार के लिए उपाय: कुंडली में स्थित शुक्र ग्रह को मजबूत करें। ज्ञान अमृत: दयालु बनो कमजोर नहीं, ज्ञानी बनो अहंकारी नहीं।